बेंगलुरु में चल रहे एयर इंडिया शो के दौरान मेक इन इंडिया पर जोर दिया जा रहा है। कई ऐसे नए इनोवेटर हैं जो सेनाओं के लिए अलग अलग तरह के नई तकनीक, नए इक्विपमेंट बना रहे हैं। हम आपको एक खास सिस्टम यहां पर दिखा रहे हैं, जेट सूट मार्क वन। हाल में भारतीय सेना ने इसका एक RFP निकाली है जिसके तहत ऐसे जेट सूट बनाने वाले निर्माताओं से RFP मांगी गई है जो इस तरह किसी भी आपदा, किसी दुश्मन के इलाके में ऑपरेट करने के लिए इस तरह के जेट सूट को पहनकर जवान 5000 से 8000 फीट की ऊंचाई पर कैसे उड़ान भर सकता है इस जेट सूट की मदद से। इस जेट सूट की बात करें तो 40 किलो के आसपास का वजन है। ये सिलेंडर हाथ पर लगाए गए हैं, इसके अलावा पीछे जो जेट सूट का मुख्य हिस्सा है वो मौजूद है। तो किस तरह से ये काम करेगा, इस पर जो इनोवेटर हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। राघव रेड्डी हैं जिन्होंने ये मॉडल तैयार किया है, इसके ट्रायल शुरू हुए हैं और इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये जेट सूट मार्क वन है, ये बनने के बाद किस तरह से क्या इस्तेमाल, किस तरह से ये काम करेगा? काम करना और इसका कैसे इस्तेमाल होगा, ये दो चीज़ें हो सकती है सर। ये कैसे काम करेगा वो मैं बता सकता हूँ, इस्तेमाल कैसे करना चाहिए वो एंड यूज़र के ऊपर एक्चुअली डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये रिक्रिएशनल आइटम भी है और क्रिटिकल एप्लीकेशंस में भी कहीं काम आ सकता है, स्पेशली जब कोई डिजास्टर हो जाता है ऐसा, तो मतलब फ्लाइट या लैंडस्लाइड्स होते हैं या तो फ्लड्स हो जाते हैं या कोई फायर एक्सीडेंट इन हाई राइज बिल्डिंग हो सकता है, लैंडमाइन क्रॉसिंग हो सकता है, रिवर क्रॉसिंग हो सकता है, एंड शिप टू शोर कम्यूट ऑफ द ट्रूप्स हो सकता है। देर कैन बी मल्टीपल, मतलब काफ़ी तरह एप्लीकेशंस हैं, बट वो एंड यूज़र के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वो कैसे इसको अडेप्ट करेगा। बट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना, एंड इसमें अगर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ये पूरा टर्बोजेट इंजन से चलता है, इसका डीजल फ्यूल है। हमने डीजल इसलिए चूज़ किया कि डीजल का जो फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट है वो नॉर्मल एविएशन फ्यूल से बहुत काफ़ी आगे है, क्योंकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आप अगर आग भी लगा दो ना, आग नहीं लगता है डीजल को। वो सेफ्टी को लेते हुए, तो मतलब ऑपरेटर के या पायलट का सेफ्टी को लेते हुए हमने डीजल के लिए इंजिन्स को मॉडिफाई किया गया है। और ये नॉर्मली इंजिन्स ऐसे वर्टिकली स्टार्ट नहीं होते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही स्टार्ट होते हैं, बट इसको वर्टिकली स्टार्ट करने के लिए काफ़ी हमको मॉडिफिकेशन करना पड़ा। एंड इसका कैपेबिलिटीज़ के बारे में अगर बात करें कि फ्यूल पार्ट, हाँ ये फ्यूल टैंक है, ये 30 लीटर तक फ्यूल ले सकता है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनेंट बे है, एयर इनटेक है, एंड 3 इंजिन्स है पीछे भी, एंड एग्जॉस्ट है। इसका टोटल वजन 40 से लेके 50 केजीस तक है, यू नो 40 से लेके 50 किलो तक है। जितना फ्यूल लेंगे उसके ऊपर इसका ऑल अप वेट एंड ऑल्सो द इक्विपमेंट वेट डिपेंडेंट होता है। 80 केजी पेलोड को उठा सकता है, विच इज द पायलट वेट। अगर पायलट मे बी 70 किलो हो सकता है, तो 10 किलो वो कुछ वो कोई कार्गो लेके जा सकता है। एंड इसके साथ काफ़ी सेफ्टी को हमने बहुत ध्यान दिया गया है, सेफ्टी को, यू नो सेफ्टी हेलमेट्स है, नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन। कितने वक्त से आप इस पर काम कर रहे हैं और कब तक आप उम्मीद कर रहे हैं कि इसका पहला मॉडल आप बना पाएंगे और उसके बाद अगर सेना इसको लेती है? इसका शुरुआत तो कम से कम 2 साल हुआ है, 2 से ज़्यादा ही हुआ है, बट ये हमारा थोड़ा साइड किक प्रोजेक्ट बोल सकता हूँ मैं। दिस वॉज नॉट अ मेन स्ट्रीम प्रोग्राम फॉर अस, दिस वॉज स्टार्टेड बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ आई मीन माई इंटरेस्ट एंड अ कपल ऑफ गाइस इन माई टीम। एंड वैसे शुरू हुआ, हम जब भी हमको एक लेजर टाइम मिलता था वो टाइम पे हम इसके ऊपर काम करते थे, बट वेरी रिसेंटली यू नो हम RFP देखने के बाद हमको लगा कि यू नो हम कुछ कर सकते हैं इसके बारे में।
It is a very good thing that Indian Army has come up with an RFP for the first time in the world. You know, coming up with such an army. कोई इसका इस तरह का इस्तेमाल नहीं नहीं ऐसा इक्विपमेंट है ब्रिटेन में. रिचर्ड ब्राउनिंग नाम का एक जेंटलमैन, उसने इन्वेंट किया है ऐसा चीज़ें, एंड वी आर फॉलोइंग हिम. एक्चुअली वी हैव टेकन लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम हाउ टू फ्लाई द इक्विपमेंट सेफ, बिकॉज ही इज बीन गिविंग लॉट ऑफ इम्पेटस एंड फोकस ऑन द सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ इक्विपमेंट, राइट. तो जब आर्मी ने एक RFP निकाली तो हमको लगा कि हमको पार्टिसिपेट करना है. And we have to work very hard, क्योंकि ज़्यादा time नहीं है. It's under emergency procurement. We are trying our best, and demonstrations एक हफ्ते के के अंदर ही है. And if we qualify, then हमको भी army को सेवा करने के लिए एक मौका मिल जाएगा. And we are really hopeful that we'll get an opportunity. धन्यवाद. तो राघव रेड्डी ने बताया कि वो सेना ने क्योंकि इसकी RFP निकाली है और उसको लेकर वो उत्साहित हैं कि इस तरह की एक नई चीज़, क्योंकि ये पहली बार होगा कि इस तरह का जेट सूट भारत में बनाया जाएगा और भारतीय सेना ने क्योंकि उसकी उसकी डिमांड की है तो इस तरह की वो इस तरह का जेट सूट को बनाकर देने में कामयाब हो पाएंगे. कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी.